मैंने थोड़े समय में जो ये बुकलेट आप लोगों ने निकाला है, ये विनय कुमार सिंह जी ने, मैं सरसरी तौर पे मैंने उसको देखा और वो सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहता था उसमें मैंने देखा, काफ़ी कुछ उसमें कवर्ड है। लेकिन वो जो आखिरी में जो मैप जो बनाया हुआ है, अगर आपके पास वो किताब है तो आप आखिरी में जो बैक कवर में जो मैप बना हुआ है उस नक्शे को देखें तो ये थ्रेट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो थ्रेट जो है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही हम इस थ्रेट को डिस्परेज करने की या उसको कम आंकने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो PFI है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म और क्राइम का एक इस और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये समागम है। पॉलिटिकल टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म और क्राइम। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन के से तत्व इसमें जाके जुड़ गए। कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी KFD, ये 2006 में इसका PFI से विलय हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन दो लोगों को, एक सुधेंद्र और लड़कों को, सुधेंद्र और विघ्नेश, उसको इन्होंने अबडक्ट किया, फिरौती मांगा और फिरौती ना मिलने पर उनकी हत्या कर दी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऐसे करके है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन्होंने मछुआरों की हत्या की थी, 8 मछुआरों की, और जिसके उनको 65 लोगों को उसमें सजा सुनाई गई थी। और एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अल उम्मा का एक दूसरा स्वरूप है, उसका नाम है मनीषा नीति समथिंग ऐसे करके है। उसने RSS ऑफिस में हमला करके 11 लोगों को चेन्नई के RSS ऑफिस में मारा था। तो ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज आप देखें और कैसे कैसे तत्व ये PFI के साथ जुड़े हैं। और जब मैं पॉलिटिकल टेररिज्म की बात करता हूँ, आप सबको मालूम है कि PFI के साथ कौन, किसके किसके संबंध है, किसके किसके ताल्लुकात हैं। आपने अभी आपने देखा कर्नाटका में किसके साथ ताल्लुकात हैं, उसका जो ओवर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है SDPI, आप देखते हैं हमारे साथ एक सज्जन आते हैं टेलीविजन पे, वो PFI को किस तरीके से वो डिफेंड करते हैं, उनकी बहुत बड़ी दुकान चलती है उनकी, आप उनको टेलीविजन पे हर चैनल पे देखेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है। देखिए ये पूरी जो क्राइम की जो सिंडिकेट है उसमें आप देखें, इसमें इस पुस्तक में ये दिया हुआ है, प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए। और ये फैसला कहाँ हुआ? ये फैसला हुआ एक तालिबान जैसे कोर्ट में कि इनको ये सजा दी जाए और उनके हाथ काट दिए गए। दूसरा आप देखिए, केरला पुलिस ने हाईकोर्ट को ये बताया कि कोई 27 हत्याएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि PFI जो कि कम्युनल एंगल से जिसमें मर्डर हुआ है और जिसमें कि डायरेक्ट PFI का हाथ है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये ABBP के दो लड़कों, ये गोपाल और विघ्नेश, ये गोपाल और विशाल, उन दोनों की हत्याएं की गई। तो इसीलिए एक ये मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल टेररिज्म का हिस्सा है जो कि हिंदुस्तान में इस तरह की चीज, पहले ये जो मिश्रण जो है जिहादी टेररिज्म और पॉलिटिकल टेररिज्म का, वो देखने को नहीं मिला है।
अब आप बताएं कि इनके लिंक्स कहाँ कहाँ हैं, इनके लिंक्स अलकायदा से हैं, इनके लिंक्स आईएसआई से, इनके लिंक्स लश्कर-ए-तोयबा से हैं। और मेरी अपनी जानकारी है कि ये लश्कर-ए-तोयबा को रिक्रूटमेंट में भी इन्होंने मदद किया है। उसका आप देखें तो आप अभी ये इंडिया टुडे का ही एक रिपोर्ट है जिसमें ये हिंदू में भी ये आई है कि इन्होंने 6 लोगों को सीरिया भेजा था आईसीस के लिए रिक्रूट बना के, उनको 6 लोगों को सीरिया भेजा था। तो ये कहते हैं कि अलकायदा, तालिबान, हमास, ये सब फ्रीडम फाइटर्स, और किसी को कोई अगर इनके पैन इस्लामिक कैरेक्टर पे कोई शक है तो आप याद करें ये 2012-13 की बात है। आपको याद होगा जब कोकराझार में वायलेंस हुआ था, ये राइड्स हुए थे, तो वो कोकराझार के राइड्स वो ट्रैवल किए सीधे मुंबई को, और मुंबई में आपने देखा होगा वो आज़ाद मैदान में वो किस तरीके से हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं और अमर जवान को किस तरह से डिनाइग्रेट किया गया, और वो फिर ट्रैवल किया हैदराबाद से वो ट्रैवल किया ये बेंगलुरु, और बेंगलुरु में आपको याद होगा कि हम कोई 30,000 हमारे बच्चे जो थे नॉर्थ ईस्ट को, वो उनका पलायन हुआ क्योंकि ऐसा खौफ का माहौल तैयार किया गया एसएमएस के द्वारा कि वो बच्चे जो है वो अपने अपने मतलब घरों के लिए वहां से पलायन कर गए। और आपको मालूम है 60 मिलियन मैसेजेस यानी कि 6 करोड़ मैसेजेस जेनरेट किए गए थे, और जेनरेट कहां से हुआ था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई द्वारा। उसमें से कम 20-25% जो मैसेजेस थे वो पाकिस्तान से भी जेनरेट हुए थे। तो अभी भी किसी को पीएफआई का आईएसआई लिंक होने में किसी को संदेह? आपको मैं एक इनका 2000 इस किताब में भी इसका वर्णन है, कोजी कोड इनका जो डिक्लेरेशन जो था, पहला डिक्लेरेशन पीएफआई मीट का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं इसीलिए मैं ये कागज लेके आया क्योंकि मैं ये वर्बैटम पढ़ना चाहता था। जो कोजी कोड डिक्लेरेशन है वो कहता है, द वॉर ऑन टेरर इज अ यूएस एजेंडा, इट इज अ पॉलिटिकल टैक्टिक शेप्ड बाय हेजेमोनिक फोर्सेस बेंट अपॉन वर्ल्ड डोमिनेशन। The Muslims are victims of war on terror. The Indian government supports war on terror and makes available the country's machinery implementing the plan hatched by US-Israel axis. It is in wake of this alliance that we are witnessing increasing bomb blasts in the country. Yani ki ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हमारे देश में जो हो रहे हैं, इस डिक्लेरेशन में ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये 2009 का कोजी कोड डिक्लेरेशन है। और इनका क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये जो वॉर ऑन टेरर है ये यूएस एजेंडा है, ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये लड़ाई, ये वॉर ऑन टेरर क्रिएट किया गया है, और उसके विक्टिम्स जो है वो मुसलमान हैं, और ये इंडिया जो है ये यूएस इजराइल एक्सिस को मदद कर रहा है इसमें, इसलिए जो बॉम्ब ब्लास्ट हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो होते रहेंगे या वो बढ़ेंगे। तो उन्होंने अब आप यूएस इजराइल इंडिया एक्सिस से आप क्या मतलब है इनका? इट्स अ वेरी डिसेंट वे ऑफ पुटिंग यू नो यूएस इजराइल इंडिया एक्सिस। उनका तात्पर्य यह है कि ये हिंदू क्रिश्चियंस और यहूदियों का ये प्रोजेक्ट है। तो कोई हैरान की बात नहीं है कि उन्होंने
प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए। तो ये इनका जो ये पैन इस्लामिक स्वरूप जो है, अब आप देखें कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई 2011, पुणे 2012 और हैदराबाद 2013, ये तीन बॉम्ब ब्लास्ट में पीएफआई के फुटप्रिंट्स मिले। तो ये डिक्लेरेशन ये मत समझिए कि कोई केवल ये थियोरेटिकल है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉम्ब अटैक्स भी कर रही है और बॉम्ब अटैक्स में ये विश्वास करती है। आप देखें एक मूवमेंट है, बेस मूवमेंट कहते हैं कि ये अलकायदा इंस्पायर्ड है या अलकायदा ये अलकायदा का एफिलिएट है। ये बेस मूवमेंट ये केरला में एक्टिव है, इसके बारे में अखबारों ने रिपोर्ट भी किया है। इस बेस मूवमेंट ने कई जो कोर्ट्स हैं साउथ इंडिया में उस पर हमले किए हैं, कोर्ट्स को चुन चुन के उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, मैसूरू में और दो तीन जगह पर उन्होंने किए। अब मुझे जो पढ़ने को ये मिला और जो एनआईए की रिपोर्ट कहती है, वो कहते हैं कि क्योंकि कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम केरला में हम बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। तो साहब आप देखो ये कितना बड़ा अब एक ये थ्रेट है कि कोई कोई बात कश्मीर में होती है तो उसका रिवर्बरेशंस केरला में होता है, इसलिए कश्मीर का जो की समस्या जो है या कश्मीर में जो ग्लोबल जिहाद चल रहा है उसका रिवर्बरेशंस केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान को वो कंज्यूम कर रहा है। देखिए मुझे टेलीविजन डिबेट्स पे आते समय अभी कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए और मैं पहले देखता था कि ये जो कश्मीर पे डिबेट्स होते हैं उसमें हिंटरलैंड के जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो उससे ताल्लुकात नहीं रखते थे, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो डिबेट्स में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पूरी नैरेटिव जो है और पूरा एजेंडा जो है वो कश्मीर से ट्रैवल करके देखिए किस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और केरला तक चला गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कश्मीर को हम अगर वहाँ की आग नहीं बुझाएं, वहाँ की अगर हम जो वहाँ की वास्तविकता है उसको अगर हम नहीं समझें, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये साउथ में गया है और ये आपके पूरे देश में ये व्यापक रूप लेगा अगर आप इसका एंटीडोट, बोथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एंटीडोट अगर आप इसका तैयार नहीं करते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं और मुझे मेरी बात याद रखना आप, कि आप याद करोगे कि मैंने आपको आगाह किया था कि इस्लामिक स्टेट इज द न्यू रियलिटी इन कश्मीर। ये सारे जो आप देखोगे ये जी ये खुदरे जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, आप धीरे 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 देखोगे ये सब इस्लामिक स्टेट में ये जाके ये मिल जाएंगे। अभी अगर कश्मीर में इस्लामिक स्टेट का झंडा फ्राइडे प्रेयर्स के बाद अगर वेव किया जाता है और उस पर कोई पथराव नहीं करता तो समझ जाइए कि एक फिनोमिनन है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और इस फिनोमिनन को इंपीटस देने वाला आपके मेनस्ट्रीम के पॉलिटिशियंस हैं। मीरवाइज उमर फरूक जामा मस्जिद में फ्राइडे को जब नमाज को प्रेयर्स को प्रेजाइड करते हैं और उस प्रेयर्स के तुरंत बाद इस्लामिक स्टेट के जब झंडे वेव किए जाते हैं तो इसका माने क्या लगाया जाए? इसका अर्थ यही है कि वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि आप अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अब आ जाओ। और मैं एक और बात बता दूं
कि एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क नहीं है, सब ग्लोबल जिहाद में विश्वास करते हैं, सब उम्मा में विश्वास करते हैं, सब कैलिफेट में विश्वास करते हैं, सब गज़वाए हिंद में विश्वास करते हैं। उनके अलग अलग नाम, अलग अलग इलाके इसलिए हैं कि उनका कैचमेंट एरिया का रिक्रूटमेंट एरिया अलग अलग है, वो लॉजिस्टिक्स के लिए वो अलग अलग हैं, और वो जो पे एंड अलाउंसेज और ये जो ये जिहादियों में बांटते हैं वो उन कारणों से वो अलग है। लेकिन बेसिकली ये सारे जो जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उससे अलग नहीं है। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इस्लामिक स्टेट को रिक्रूट्स भेज रहा है, केरला से अभी कम से कम 20-22 लोग हैं अफगानिस्तान में, तो आप समझिए कि इस्लामिक स्टेट आपके नॉर्थ में आ गया है, इस्लामिक स्टेट आपको आपके साथ साउथ में आ गया है। और अगर ये नक्शा जो इन्होंने दिखाया है, इस नक्शे से जाए तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंडिया में ये है फिनोमिनन जो है ये फैल रहा है। कहीं पर इनको ये भी एहसास हुआ कि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, और वो नए नए पार्टनर्स माओइस्ट को साथ ले आओ, कुछ दलित्स के नाम पर उनको साथ ले आओ। और ये जो आपने देखा, ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो आपने इनका ट्रिस्ट देखा, जो मीटिंग पॉइंट देखा, वो इंसिडेंटल नहीं है। तो इसके पहले कि ये PFI मेनेस बन जाए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा आपके जरिए कि पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइज, क्या इसमें टेक्निकल मजबूरियां हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर क्रैकडाउन, इसका पहले बैन करना और इस पर क्रैकडाउन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और बाकी तमाम इनके एक्टिविटीज और भी है, मैं उसमें मैं नहीं जाना था, कन्वर्जन इस पर लिखा हुआ है, पढ़े इस किताब में, वो जैन बाबा का जैनबा जो जिक्र है वो खुद कहती है, वो कहती है कि हमने 5,000 औरतों को कन्वर्ट कर दिया है। तो कन्वर्जन में, वो बॉम्ब अटैक्स में, वो पॉलिटिकल टेररिज्म में, वो मर्डर में, वो एबडक्शन में, वो रैंसम डिमांड में, वो तो आप किस चीज का फिर इंतजार कर रहे हैं? उनके लिंक्स ISIS से, उनके लिंक्स लश्करे तोयबा के, उनके लिंक्स ISI से, उनके लिंक्स ये कश्मीरी जिहादी से। देखिए जब 26/11 हुआ था, 26/11 वो कश्मीर का ही टेरर जो है फुल सर्कल लेके मुंबई पहुंचा था, और अब कश्मीर का वो एक फुल सर्कल लेके वो अब केरला और ये बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में पहुंच रहा है, जिसका कि ये फैसिलिटेटर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। तो मैं इतनी सी बात आपके पास रखना चाहता था, और मुझे मालूम है आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सवाल जवाब होंगे तो मैं उस समय आपको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।